सभी को जय श्री राम। तो आज तैयारी हो चुकी है कलश यात्रा यानी कि शोभा यात्रा की, और हम सब अपने पारंपरिक परिधान में तैयार हैं क्योंकि हमें अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें प्रभु ने इस नेक काम के लिए स्वयं चुना। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू मी एंड ग्रेट फीलिंग टू सत्या विहार वासी। और यहाँ पे सत्या विहार की सभी सुंदर सी महिलाएं यानी कि ब्यूटीफुल लेडीज निकल चुकी हैं अपने अपने घरों से पारंपरिक परिधान, नथ, मांग टीका, पिछौड़े के साथ पीले वस्त्र पहने हुए हैं। और मैं यानी कि शर्मिला, रीटा, रेनू, नीमरावा जी, माया दीदी, रेनू जोशी जी, मिश्रा, इन सभी लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और भी लोग आगे निकलेंगे अपने अपने घरों से। तो हम चलते हैं। और ये देखिए, रेनू ने तो अपने आप को बिल्कुल भी, बस मौका मिलना चाहिए रेनू को। आहा, रेनू तो कहीं भी भजन पे नृत्य करने लग जाती हैं, बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। धरे तुले की
यहाँ पर हमें जो राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत आए हैं वो हमें रिसीव हो गए, यानी कि प्राप्त हुए। इस कलश में हमारे पूजित अक्षत हैं और इनको लेकर के हम जाएंगे अपने मंदिर में रखेंगे और फिर कल प्रातःकालीन वेला से हम इसको प्रत्येक घर में वितरित करेंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं कलश यात्रा से अक्षत लेकर, चावल नहीं अक्षत, कलश में अक्षत है, चावल तो पकाते हैं। तो ये हम पवित्र अक्षत लेकर के आए हैं जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से आए हैं। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं अपने अपने घर और फिर शाम को एकत्रित होंगे किसी भी एक जगह में, जैसा भी जगह सुनिश्चित की जाएगी उसी प्रकार से सब इकट्ठे होंगे और फिर हम कल और परसों दो दिन में इसका वितरण करेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पर पुनः एकत्रित हो चुके हैं, बच रहा है शाम का 4:30। तो मैं, रेनू, रीटा, माया दीदी, मिश्रा, नीमा रावत, बहुत सारे लोग सब एकत्रित हुए हैं वैदेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि कुमाऊँ के सुप्रसिद्ध गायककार श्री गोविंद दिगारी एंड खुशी जोशी दिगारी जी का है। वो सत्या विहार में ही है उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो हम वहीं पर एकत्रित हुए और यहाँ पर हम छोटी छोटी सी पुड़िया बना रहे हैं। हमारे साथ प्यारी वैदेही भी देखिए पुड़िया बना रही है, तो खुशी भी है, वैदेही भी है, लत्तू भी है, चाची भी है। तो हम सब देखिए यहाँ पर पुड़िया बना रहे हैं और कल हम सुबह निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, किस जगह पर एकत्रित होंगे वो जगह सुनिश्चित कर लेंगे आपस में। और फिर देखिए ये देखिए एक लॉ में जाएगा, तीसरे तिजोरी ला से लॉकर, और एक भाव में जाएगा, भाव में। थोड़ा जाएगा। तो भगवान हमको मम्मी को बताई दो, मम्मी का प्लान पास हो गया। जय हो, जय हो, बधाई आपको, बधाई हो। 15 से मकान शुरू है। चलो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई की शादी को। तो ज्यादा हम तो ज्यादा बधाई देंगे, पड़ोसी हो रहे हो मकान। आज हमारे घर में ये जो हमारे अयोध्या से अक्षत आए हैं उनको पूरी कॉलोनी में बांटने के लिए ये अलग अलग पन्नियों में रख रहे हैं। कौन कौन आई है? हमारी मिश्राइन आई है, हमारी शर्मिला भाभी आई है, जय श्री राम, माया दी आई है, जय श्री राम, रेनू आई है, जय श्री राम, मम्मी है, जय श्री राम, रीता दी है, जय श्री राम, और लिटिल वैदू है, जय श्री राम, जय श्री राम, और लत्तू बना रही, जय श्री राम। आपको तो आप लोगों को कितनी खुशी है मंदिर बनने बहुत ज्यादा राम जी के आगमन के लिए तैयारियां बहुत अच्छी। करीब 500 साल बाद हमारे रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। तो इस उपलक्ष्य में हम इन चावलों को सब घर घर में जाकर निमंत्रण के स्वरूप और हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम इस पावन सहयोग करें। तो हम लगे वैदू दीपिका गुप्ता कह रही है जय श्री राम, वैदू बोलो। श्याम गुप्ता जी कह रहे हैं गोविंद जी क्या हो जाएंगे, ठंडा बहुत ज्यादा है। और हमने आज बहुत ही एक नेक और पावन कार्य किया और उसके बाद हम आ गए हैं अपने घर। ठंड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे अलाव जल रही है। इज्जा, मेरे पति देव दानी और मेरी सासू माँ यहाँ पर आग ताप रहे हैं और हमने अपने घर को थोड़ी थोड़ी सी लाइटिंग लगाना शुरू कर दिया है, थोड़ी सी और लगाएंगे 22 तारीख तक। ये देखिए चीकू का पेड़ हमारा और प्रेम भैया अपनी फटफटियाँ लेकर के तैयार हैं क्योंकि अभी दूध बांटने जाना है। और हमारे अतिथि सत्कारम में और लाइट लगा दी है। आप लोगों को पता है मेरे घर का नाम अतिथि सत्कारम क्यों पड़ा? क्योंकि अतिथि सत्कारम एक वेब सीरीज़ है जो कि मार्च में रिलीज़ होने वाली है। बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी उसकी स्क्रिप्ट है, स्टोरी है और कलाकार तो उसमें बहुत उम्दा कैटेगरी के आए हुए थे हमारे घर में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। और अपने व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। मिलते हैं कल जल्दी से अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।